डूंगरपुर जिले के साबला थाना अधिकारी रिजवान खान ने साबला कस्बे में रात्रि के समय बोलेरो से कैंपर चोरी कर बेचने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अधिकारी रिजवान खान ने बताया कि 24 सितंबर को सुरेश बाबू पिता विक्रमदास जाति ब्राह्मण उम्र 65 साल निवासी कोटा हाल मुकाम साबला ने एक लिखित रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें बताया था कि 23 सितंबर की रात को केके कॉम्प्लेक्स के बाहर खड़ी बोलेरो से कैंपर चोरी हुए थे। 24 सितंबर सुबह देखा तो उक्त बोलेरो कैंपर बाहर नहीं दिखी, जिस पर थाना अधिकारी रिजवान खान ने जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा डूडी के निर्देशन में एक टीम का गठन किया। वहीं अपराधियों की तलाश शुरू की, 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। 5 अभियुक्तों से पूछताछ करने पर उन्होंने कैंपर बोलेरो चोरी करना स्वीकार किया। साथ ही अभियुक्तों द्वारा साबला के अलावा बिच्छीवाड़ा, केजट सराड़ा, गोवर्धन विलास उदयपुर में भी चोरी की वारदात करना स्वीकार किया है। अभियुक्त राजेंद्र उर्फ राजू उर्फ राज्या पिता वीरेंद्र आहारी उम्र 22 वर्ष निवासी बिलक जिला उदयपुर, रणजीत पिता विजयपाल खराड़ी उम्र 27 वर्ष निवासी चनावदा जिला उदयपुर, सोमा उर्फ विजय उर्फ विजय पिता कांतिलाल आहारी निवासी बिलक जिला उदयपुर, अंकित पिता सोहनलाल आहारी निवासी बिलक जिला उदयपुर, मयूर पिता दिनेश आहारी निवासी बिलक जिला उदयपुर को गिरफ्तार किया। इस पूरी कार्रवाई में साबला थाना अधिकारी रिजवान खान, हेड कांस्टेबल मानशंकर, कांस्टेबल राजेंद्र सिंह, कांस्टेबल हर्षवर्धन सिंह, कांस्टेबल घनश्याम सिंह, कांस्टेबल सूर्यवीर सिंह, कांस्टेबल विपिन कुमार, कांस्टेबल जयपाल सिंह, कांस्टेबल पीएस आसपुर गणपत दान, कांस्टेबल पीएस बिच्छीवाड़ा रिपु दमन सिंह, कांस्टेबल अर्जुन व कांस्टेबल पंकज का सराहनीय सहयोग रहा।